बंदा ऐसे करोगे तो ऐसे गिरोगे। तो अभी हम पहुंच गए नकीला। स्वागत है आपका नकला पास पे। ये वो नदी है जो पाकिस्तान को पानी देती है, मोटरवे रूट में से एक है। और फाइनली हमने तीसरा जो अपना वो था मोटर हाईएस्ट मोटरवे रोड, उसको पार कर लिया है। तो यहाँ रुकते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ से ना आगे बढ़ते हैं, ज्यादा रुकेंगे नहीं। इससे पहले जो पास था ना वो था आपका 15,600 कुछ का, और ये वाला पास है 16,616 है। तो और हाइट अपने कर ली है, और सेकंड थर्ड पीक हमने पीक कर दिया है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 30-40 किलोमीटर का ना ऑफ रोड के बाद हमको एक अच्छा सा रास्ता मिल गया है। आपको इसमें डामा वाली रोड मिल जा रही है बीच बीच में, तो रास्ता थोड़ा सही जा रहा है। वरना ये ऑफ रोड जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी ऐसे ऑफ रोड था पूरा रास्ता 30-40 किलोमीटर का, लेकिन उसमें भी चलाने का कुछ अलग ही मज़ा था। तो अच्छा रास्ता ना कहीं कहीं पर है, बाकी तो ऑफ रोड ही लग रहा है ऐसा फिर से। नहीं अच्छा रास्ता है। तो आगे हमको ना दोबारा से अच्छा रास्ता मिल गया। और पांग यहाँ से ओनली 17 किलोमीटर है। तो हमारे सामने ना इतने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, और खूबसूरत भी हैं और देखने में ख़तरनाक भी लग रहे हैं। अब तो मन कर रहा है कहीं जल्दी से पांग आ जाए और हम रुक जाएं, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा थकाई हो गई है। और ये देखो पत्थर कितने घिस घिस के चूरा हो के कैसे डिज़ाइन बन गए हैं इनके। ये कैमरे में बड़े छोटे लग रहे होंगे ना, लेकिन ये बहुत बड़े पत्थर हैं, ऊपर देखने में डर लग रहा है। यार पांच पहुँचने से पहले तो रास्ते ख़त्म हो गए, यहाँ रास्ते नहीं दिख रहे। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसे प्लेन रास्ते में चला रहे हैं गाड़ी, रोड ही नहीं है। कई बार ऐसा हो गया, बगल में नदी बह रही है, नदी का लेवल और रोड का लेवल एक ही हो रहा है। तो फाइनली पहुंच गए हम पांग विलेज, और ये पांग विलेज बस 15,280 फुट की हाइट में है। सो रोहित यहाँ इंट्रोडक्शन ले रहा है लोगों का, और हम थके हारे हैं। तो चलो अब रेस्ट करते थोड़ी देर, और आधे घंटे बाद फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो ये पांग में ना हमने अपना चाय ब्रेक करा, और यहाँ से अब निकल रहे हैं हम आपके आगे को तांग लांगला पास की तरफ। तो तेरा हेलमेट वहाँ है भाई, वहाँ है, तो से निकलते हैं आगे को। तो पांग को पास करने के बाद ना आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। कितना अल्टीमेट व्यू है, प्यारा नजारा लग रहा है, आ रहा है ना मजा। तो ये है खूबसूरती लद्दाख की, और आपको ना चारों तरफ खुला मैदान दिखेगा। रास्ते में चढ़ना शुरू कर दिया है,
अभी सिर्फ 17 किलोमीटर बचा हुआ है तांगरंगला पास, और हाइट बहुत अच्छी जा रही है गाड़ी में ना, चढ़ने के लिए प्रेशर बहुत लग रहा है गाड़ी को क्योंकि हाइट बहुत है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ऑटो स्टेशन रोड थी ना वो एक नंबर थी, मजा आ गया। और ये रोड भी बहुत प्यारी है, एक या 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया बचा होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ वर्ल्ड। भैया आज हमने ना चार पासेस करे। मेरे सामने है तांगरंगला पास, तो फाइनली मैं पहुंच गया तांगरंगला पास। फाइनली हम पहुंच गए तांगरंगला पास, और मुझे ना भैया लोग मिले, और भैया लोग हैं मुरादाबाद से, भैया सब्सक्राइबर भी है मेरे। आप नहीं हो ना, आप बन जाओगे हो जाएगा जरूर जरूर। और इसकी जो हाइट है ना वो है आपके 17,582 फीट पे, और आज हमने चौथा जो अपना हाईएस्ट पास है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी रोहित लोग भी आने वाले हैं, शायद आ ही गया रोहित भी, तो साथ वाला दोस्त भी आ गया। आइए सर आइए, स्वागत है आपका तांगरंगला पास पे। रोहित भाई सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि पल्सर लेकर आया है। पल्सर 150 15 इयर्स ओल्ड। और ये कितनी पुरानी है? 2019। ये 2019, वो 2009 लास्ट टाइम भी किया था। तो यहाँ से ना मनाली आपको पड़ेगा 364 किलोमीटर और पांग पड़ेगा 65 किलोमीटर। तो हमने 65 किलोमीटर नॉन स्टॉप ट्रक की गाड़ी पहुंच गए तांगरंगला पास। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, देखते हैं जहाँ तक उतरते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। प्लान तो मेरा था लद्दाख ले पहुँचने का, लेकिन ले पहुँच नहीं पाएंगे। ले पहुँचेंगे हम अगले दिन, तो थोड़ी देर मस्ती करते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे गिरोगे ऐसे गिरोगे। गाड़ी टूट गई थी भैया, हेडलाइट टूट गया, टूट गया। अब इसी गाड़ी की ना उठाने में सांस फूल गई, और बहुत हाइट है 17,582 फीट बहुत होता है। तो सांस फूल गई, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर करते हैं स्टार्ट। मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये तांगरंगला बाबा की है। तांगरंग बाबा के बारे में कुछ बताएंगे अंकल जी? तांगरंग तो जी से इसका नाम रखा ना। हाँ तांगरंग नाम, बाबा कौन थे, तांगरंग क्या करते थे? बाबा तो किसी ने बोल दिया होगा। अच्छा, अच्छा। तो उनके नाम पे ये मंदिर बना दिया है। हाँ। ओके। हर जगह पे पास में मंदिर होती है। ओके अंकल जी, और पहले कभी टाइम का होगा तो कुछ फॉरनर्स भी आ रखे हैं जिनकी गाड़ियाँ JNK की है, और ये लोग कर रहे हैं ले लद्दाख। कुछ जो राइडर्स है ना ये मैक्सिको से राइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हाउ मेनी डेज यू आर राइडिंग? फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर राइडिंग? आई एम फ्रॉम मैक्सिको। ओके, मैक्सिको से वीवा मैक्सिको कैब्रोनेस। यू डोंट नो इंग्लिश? लिटिल लिटिल। ओके, इनको इंग्लिश नहीं आती। हम हिंदी में बात कर सकते हैं। फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर हियर? How many days? Days in India you are here? 5 days. 5 days. After 5 days before. Okay. So you all are from Mexico? No. Only Mexicano. Okay. Españoles. España, Spain. Spain. Sí. Okay. These guys are from Spain. Nice. Okay. मैंने साइड स्टैंड हटाया नहीं था, मैं सोचा मैं बाइक स्टार्ट हो रही, बैटरी डाउन हो गई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और चलते हैं आगे को ले के तरफ।
मेरी ना GoPro की बैटरी भी खत्म हो गई थी, इससे मैं व्लॉग अभी बना नहीं रहा हूँ। अब जहाँ पे जाऊँगा जिस लोकेशन में जहाँ भी रुकेंगे वहाँ का ब्लॉग बना के आपको इस ब्लॉग का एंड करेंगे। मेरे सामने आप ये पहाड़ देख रहे हो, ये बड़ा सा पहाड़, ये पहाड़ ना इस पहाड़ के बाद स्टार्ट होता है मैग्नेटिक हिल और ये भी उसका एक पार्ट है। तो अब हम इसको क्रॉस करेंगे और आगे को जाएंगे। तो मैं ना अभी बस ऐसे इस तरीके से व्लॉग बनाते हुए जा रहा हूँ मैग्नेटिक हिल की तरफ। तो फाइनली हमने ले रीजन में एंटर कर लिया है और ये है ले का एरिया। अब हम जा रहे हैं आगे को और हमारा दोस्त विक्की बिचार अब पीछे छूट गया। रोहित तो आगे चले गया है, वो पीछे है। तो आगे उपसी गांव आता है तो उपसी गांव में रुकते हैं और उसका वेट करते हैं और वहाँ बैठ के चाय भी मंगा लेंगे अपने थोड़ी देर। तो अभी ना यहाँ ले में पर्ची कटती है आपकी एंट्री भी, जो कि बाइक की 20 रुपये और बड़ी गाड़ी के 100 रुपये है। तो आपको यहाँ चेक पोस्ट में जमा करना पड़ेगा, उसका फिर आपको एंट्री मिलेगी आगे को। और हमारा लौंडा यहाँ चीता, चीता ओ चीता, चीता ढेर कैसे हो गया 200 किलोमीटर तलादी पहाड़ में डाला, वो भी हाई एल्टीट्यूड में, 3-3, 4-4 एल्टीट्यूड, बाप रे। आज हमने 4 पीक पार करी है। लास्ट टाइम इतना तो मैंने 3 बार में किया था। मैं करूंगा बात देखो लोंडे मेरे साथ चलते हैं ना तो जल्दी चलते हैं। और ये भैया जो पर्ची काट रहे थे, भैया ये कश्मीर अभी कश्मीर गवर्नमेंट का है क्या? किसी नहीं, पीछे बोर्ड क्यों लगा? फिर गवर्नमेंट वो पुराना होगा ना, तो हम हटा के आ जाए। मजा नहीं आ रहा देख के उसको। इस तरीके से यहाँ आराम करा जा रहा है चेक पोस्ट पे और बाइक हमारी वहाँ पे खड़ी है क्योंकि हमारा बच्चा नहीं आया ना अभी। हमारा बच्चा पीछे छूट गया विक्की, तो उसका वेट कर रहे हैं। जब वो आएगा उसका फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसकी पर्ची कटा ली हमने और अपने पास रखी हुई है। बस वो आता है 5 मिनट में, फिर उसके हम चलते हैं। तो जैसे ही हम चेक पोस्ट पार करते हैं ना, तो चेक पोस्ट पार करने हमको ये नदी मिलती है और ये नदी का नाम है सिंधु नदी और इंदस नदी। तो इंग्लिश में आपका इंदस नदी कहते हैं और हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा या बहुत लोगों को पता भी होगा, जो सिंधु नदी है ना वो आपके चाइना से होते हुए आती है और यहाँ से पाकिस्तान को जाती है। तो ये वो नदी है जो पाकिस्तान को पानी देती है हिंदुस्तान के द्वारा। तो चलते हैं आगे और शाम भी होने लगी है, 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो जल्दी से ले पहुँचते हैं, ले यहाँ से 47 किलोमीटर ओनली है, तो जल्दी से ले पहुँचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए ले और ले में हमने ले लिया अपने लिए रूम और बहुत बढ़िया रूम लिया है। वो अभी रूम पहुंच के दिखाते हैं। और जो प्रॉपर्टी है ना कुछ इस टाइप की है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो भैया की जिप्सी भी बहुत प्यारी, इसकी साउंड भी सुनी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बाकी आपको कल सुबह सुनाएंगे। और ये विंटेज सी एक आपकी सी बुलेट है, बहुत अल्टीमेट। तो बाकी सब तो कल दिखाएंगे, अभी जाते हैं रूम पे और रूम पे करते हैं अपना लगेज शिफ्ट। सो फाइनली रूम के अंदर आ गए और रूम कुछ इस तरीके से है। अभी एक मैट्रेस और मंगवा के रोहित नीचे सजाएगा और हम ऊपर सोएंगे आराम से, चार्ज करने मोबाइल वगैरह और पावर बैंक। और 2 दिन हम यहीं हैं फिलहाल, तो 2 से 3 दिन भी हो सकता है लेकिन 2 दिन तो हम यहीं हैं। तो बाकी जो आपको होगा ना वो कल से दिखाएंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको इतने सारे वीडियो में जो पासेस थे हमने जो पार किए वो अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा क्योंकि ये सब मेहनत आप लोगों के लिए है। और मिलते हैं कल मॉर्निंग में और स्टार्ट करते हैं कल से जुले वाला ब्लॉग। और बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।